वो अर्जुन बता रहा था कि किसी से इंट्रोड्यूस करवाना है उसको। जी जी जी, वो हम मिलवाते हैं आपसे उस शख्स से। वो है हमारी नातिन अनु। अनु बेटा इधर आइए। ये है हमारी नातिन अनु, हमारी जान। बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत प्यारी है बेटा तुम। इसकी तो नजर उतरवा दीजिएगा आप। नजर तो हम इसकी रोज उतारते हैं। हमारी अनु पे किसी ने बुरी नजर डालने की कोशिश भी की ना, तो वह बहुत बुरी तरह पछताएगा। पंद्रह साल बाद लौटी है, हम इसे अपनी नजरों से दूर बिल्कुल नहीं होने देंगे, कभी नहीं। दादी, भाई को कब से फोन लगा रहा हूँ लेकिन भाई फोन नहीं उठा रहे। कुछ करिए ना भाभी, क्या कर रही है ये सब? क्या करें बेटा, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। बूनी ने जानबूझ के आज का दिन रखा है तमाशा करने के लिए। जानती है ना, मेहमानों के आगे हम बखेड़ा नहीं कर सकते। हमने तो हाथ पांव बांध दिए हैं। मैंने बहुत गलत किया। हम परिवार की इज्जत बचाने के लिए हम अपनी बहू को बेइज्जत होते हुए तो नहीं देख सकते हैं ना? समझ रहे हैं बहुरानी, लेकिन क्या करें? ए नौकरानी, इसने एक अच्छा नहीं दूसरा लेके आ। अरे सुनो, इधर आ। अरे सुन, एक कॉफी लेकर आना। कॉफी मांग रही मोटक्का भी है? कभी कभी पाव किलो दूध लाती घर में, कॉफी चाहिए। Excuse me. Yes, I can speak English. thank you so much. आप तो बबलू जी, आज तो आप भी बैठे गंगा में आंधो दी। ए नौकरानी, एक ग्लास जूस, आप कॉफी लेंगी ना? हाँ। और एक कॉफी गर्मा गर्म, जल्दी लेकर आओ। अरे सुनो, एक ग्लास ऑरेंज जूस, एक ग्लास पानी लाना, पनीर लाना, एक मिल्क शेक और एक प्लेट पकौड़ा ले जाना। एक ग्लास पानी तो लाना, एक स्नैक और एक पकौड़ा लाना। पेशेंस रखो मिश्री, लेकिन टाइम और प्लेस देखकर तेजी से आती हुई गाड़ी के सामने खड़े रहकर सिर्फ तुम्हारा नुकसान होगा। कोई अगर तुम्हारे साथ एक बार गलत करे तो तुम उसे दो बार जवाब दो। थिंक अबाउट इट। पानी लीजिए, आप अपना जूस लीजिए, आप आपकी कोल्ड ड्रिंक लीजिए। अरे का खा के आई है, देखो तो कैसे खुश हो के काम कर रही है। आप आपका मिल्क शेक लीजिए, आपकी स्नैक्स लीजिए। अरे देखो,
हम बिला वजह परेशान हो रहे थे। ये लड़की तो कमाल की है भाई, जिंदगी में खुश रहना भी जानती है और दूसरों को खुश रखना भी, कमाल है। बहुत कूद रही है, अभी बताती हूँ। सॉरी, तुमने मेरी 1.5 लाख की साड़ी बर्बाद कर दी। Do you know the meaning of 1.5 लाख? तुम्हारे बाप ने भी कभी देखे? हम बाप का देखे आंटी जी। चुप हो जाओ, नौकरानी होकर जुबान लड़ाती हो। मैं तुम्हें बताती हूँ, टके की लड़की के लिए मुझे रोक रहे हो? जरूरी था बबली आंटी, नहीं तो 30 सेकंड में आप तीसरी गलती कर बैठती। ना तो ये बदतमीज है, ना ही ये नौकरानी है। हाथ उठाना तो दूर, इस पे किसी को उंगली उठाने का भी हक नहीं है। बड़ी खास लगती है तुम्हारी, जरा हमें भी तो पता चले कौन है ये। ये वही है जो हर मुश्किल में मुस्कुराना चाहती है। अकेली बड़ी हुई है पर फैमिली की इंपॉर्टेंस जानती है। इसे कितने भी ताने और बेइज्जती सहने पड़े पर ये माइंड नहीं करती। बड़ों की इज्जत रखना जानती है, बस ये नहीं जानती कि सीक्रेटली मैंने इसके आंसुओं से दोस्ती कर ली है। कभी किसी से शिकायत नहीं करती पर इसके आंसू इसके दिल में छुपे हर गम मुझे बता देते हैं। ये इस घर की बहू, मेरी पत्नी, मेरा प्यार, मिसेज मिश्री अर्जुन अवस्थी है। अर्जुन, ये क्या है और क्या कहेंगे हमारे मेहमान की अन्नपूर्णा अवस्थी का पोता और मेहमानों से इस तरह से पेश आ रहा है? अच्छा आप बताइए डैड, क्या घर की बहू के साथ ऐसे पेश आते हैं? मैंने ये पार्टी मिश्री के ऑनर में रखी, सबसे मिलवाने के लिए रखी है, झूठे बर्तन उठाने के लिए नहीं। की बहू है ना, अगर इसने थोड़ा सा काम कर लिया तो कौन सा पहाड़ टूट पड़ा। मैं भी इस घर का बेटा हूं दादी, अगर आपको बहू के काम करने से कोई प्रॉब्लम नहीं है तो बेटे के काम करने से भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी।
अर्जुन क्या कर रहे हो अर्जुन? अर्जुन बेटा, अर्जुन कल्पना ही क्या कर रहा है? फिर मैं भी आपकी हेल्प करूं। अश्विन बहुरानी, भाई अगर ये बहुरिया काम कर सकती है तो क्या अकेले जिम्मेदारी उसी की है? अरे हम लोग भी तो हैं, हैं? चलो आओ, चलो हम लोग चलते आओ। चलिए मौसी जी, घूम जाओ घूम जाओ घूम जाओ। अरे अगर मौसी जी ने हमको देख लिया ना तो हमको भी हाथ में थाल थमा के बोल देंगे काम करो, हमको नहीं करना काम। हाँ सही है रे। गई 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 गई। बुद्धि भ्रष्ट हो गई है मां सबकी। का सोचे थे और का हो गया यशोदा जी? देखो ना चिट्टी बिट्टी गुल हो गई। इतने बड़े लोग हैं और घर का काम नौकरों की तरह खुद कर रहे हैं। तो आपके हिसाब से नौकर छोटे लोग होते हैं? आपके घर में भी तो तीन नौकर होंगे ना आंटी जी? एक काम कीजिए, कल से ना उन सबको नौकरी से निकाल दीजिए। वो करते हैं क्या है? एक नौकर तो बस खाना बनाता है ना, कोई नहीं ज्यादा खाने से वैसे भी वेट बढ़ता है, तो मत करिए ना। दूसरा तो झाड़ू पोछा करता होगा, घर गंदा पड़ा रहे हमें उससे क्या। ड्राइवर आपके बच्चों को स्कूल से लेने छोड़ने का काम ही तो करता है, निकाल दीजिए उसे भी। अगर आपको ड्राइविंग नहीं भी आती है तो कल से उसे बस में भेज दीजिए, सिंपल। इतनी देर से नौकर शब्द आप गाली की तरह यूज कर रहे हैं आंटी जी। सही पर है तो सरकारी नौकर ही ना, बड़े घर पैसे वाले लोग खड़े करते होंगे पर उन घरों को चलाते वो छोटे लोग ही हैं। हो सके तो ये बात आप याद रखिएगा और अगली बार अगर कोई नौकर आपको पानी का ग्लास दे ना तो उसे थैंक यू कहिए, क्योंकि अगर वो दो दिन के लिए छुट्टी के लिए चला जाए ना तो आप सबकी छुट्टी हो जाएगी। बहन जी हमारी बहुरिया के सबक को गांठ बांध ले, ना समझ आया तो समझा दे एक बार, समझा दो एक बार और समझा दो, समझा दो। डोंट माइंड अर्जुन, हमने तुम्हारी वाइफ को गलत समझा, उसे नौकरानी समझ लिया, पर इसमें हमारी गलती भी नहीं है ना। आप इसका अपीयरेंस देखिए, इसका हुलिया देखिए, कहीं से लगती है अवस्थी परिवार की बहू। हर एंगल से बबली आंटी,
इसकी आंखों में फैमिली के लिए इतना अपनापन है, इतना थकने के बाद भी इसके फेस पे स्माइल है। आई नो आपकी एज पे नजर कमजोर हो सकती है, किसी का मन कितना भी सुंदर हो आपको नहीं दिखेगा। आपको तो सिर्फ सुंदर चेहरे से मतलब है ना, कि भी 5 मिनट्स ये इतनी खूबसूरत है कि इसे सजाने में मुझे 5 मिनट भी नहीं लगे। अगर और सजाऊंगा तो आप में से ही किसी की नजर लग जाएगी। आसमान के चांद को खूबसूरत दिखने के लिए डिजाइनर ज्वेलरी और मेकअप की जरूरत नहीं होती, और ना ही मेरे चांद को है। गजरा लगा रहे हैं यशोदा जी। आने वाले दिन में कहीं शायर ना बन जाए। इश्क में तेरे फूलों से खिलने, मोहब्बत के रस में तेरे संग चलने, जमाने की सारी रस्मों को तोड़े मैं दुनिया। की हेडलाइन होगी है, शहर का सबसे काबिल वकील रूप सज्जा में भी पारंगत है।
ये इतनी खूबसूरत है कि इसे सजाने में मुझे 5 मिनट भी नहीं लगे। अगर और सजाऊंगा तो आप में से ही किसी की नजर लग जाएगी। उठ से आंटी, कोई और है इस पार्टी में जो इसे टक्कर दे सके? आसमान के चांद को खूबसूरत दिखने के लिए डिजाइनर ज्वेलरी और मेकअप की जरूरत नहीं होती, और ना ही मेरे चांद को है। राम भला करे, खेल तो उल्टा ही पड़ गया। अब तुम देखो यशोदा का कमाल। हम लोग यहाँ पार्टी एंजॉय करने आए थे, लेकिन यहाँ बेइज्जत होकर जा रहे हैं। अब कहने सुनने को तो कुछ बाकी नहीं रह गया, हम चलते हैं। आंटी, कहने सुनने को ना सही, देखने को तो बचा है ना। अब आप देखिए, जब हम दोनों साथ होते हैं तो कैसे एक हो जाते हैं। और इस एक को हाफ करना किसी के बस की बात नहीं है। राम भला करे, खेल तो उल्टा ही पड़ गया। अब तुम देखो यशोदा का कमाल। राम भला करे, खेल तो उल्टा ही पड़ गया। तुम देखो यशोदा का कमाल।